चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और चुनाव प्रचार के बाद में घर आए हैं प्रत्याशी ओम जी बिरला। हम इनसे ये जानेंगे कि क्षेत्र की जनता के लिए संदेश क्या देना चाहते हैं और इस चुनाव में क्या अनुभव किया। कोटा बूंदी मेरा परिवार है, एक बेटे भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है। ये चुनाव देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मेरा सभी कोटा बूंदी संसदीय परिवार से आग्रह है कि वह अपना वोट मोदी जी को देकर देश में जो विकास, देश के जो परिवर्तन, जो देश आगे बढ़ रहा है, हमारी ताकत और शक्ति बन रहे हैं, उसमें उनका भी सहयोग होना चाहिए, एक मत देकर कमल के फूल पर। अच्छा, इस चुनाव में चुनौतियां क्या रही आपके सामने? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी केवल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, अभद्र भाषा, धमकी भरी भाषाओं के अलावा वो जो चुनाव हैं देश के, उनके मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव तो देश में प्रधानमंत्री बनाने के, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। वो उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों का इस चुनाव से कोई संबंध नहीं है। कभी आरोप लगते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, कभी असंसदीय भाषा बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कभी संसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया। ये अहंकार बोलना, इस भाषा का प्रयोग करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई? निश्चित रूप से, जिस तरीके से एक धर्म के लोगों को ये कहना कि 100% मतदान करना, चुपचाप मतदान करना, बिना शोर के मतदान करना, ये कभी भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से घंटाघर में जाकर और जमानत देने वाले गुड्डू मियाँ कह रहे हैं कि आपकी बात यहाँ से लेकर दिल्ली तक उठाएंगे, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति के आधार पर वोट मांगना और 100% मतदान की अपील करना, एक धर्म के अंदर आप अगर अपील करना है तो 100% मतदान, सभी लोगों से 100% मतदान की अपील करो, लेकिन एक ही मतदान पर अपील करना, इससे लगता है कि वो एक धर्म से ही चुनाव जीतना चाहते हैं। अच्छा, आपने भी अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान बनने की प्रेरणा दी कि हनुमान बने, रामकाज करें? हाँ, निश्चित रूप से मैंने आग्रह किया सभी कार्यकर्ताओं को, ये समय देश को सुरक्षित, देश को बचाने का समय, और हमें पूरी शक्ति सामर्थ्य से, हनुमान जी की जितनी सामर्थ्य शक्ति थी वैसे ही हमें भी हनुमान जयंती पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हर चुनाव के अंदर पूरी सामर्थ्य से मेहनत करना चाहिए। अच्छा, अब आखिरी, आप आश्वस्त बहुत लग रहे हैं, मतलब इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, आपके चेहरे पर थकान नज़र नहीं आ रही है, आप सो नहीं रहे हो, मतलब लगातार मेहनत कर रहे हो, तो पूरा कॉन्फिडेंट है आपको इस सीट के लिए? देखिए, देश और प्रदेश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और किसी गांव में चले जाएं, हर आदमी मानता है मोदी जी से सशक्त, मजबूत, और जिन्होंने नेतृत्व दिशा दी, ऐसा कोई नेता नहीं है। इसलिए कोई कांग्रेस के पास या अन्य के पास कोई विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री जी का, न तो उनका गठबंधन है, न कोई नेता है, तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करना चाहते हैं। ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिन्होंने ये बताया कि ये चुनाव नाली पटान का चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है, और नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए जनता आगे आ रही है और उन्हें फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। पीटीवी हिंदुस्तान के लिए कोटा से प्रणय विजय।